अभी जो है मैंने एक मशीन खोली हुई है और इसे हमें जो फरारी होती कटर उसे हमें खोलना है। कभी कभी क्या होता है ये खोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी जंग लग जाते हैं और इसमें पानी का कंटेंट हमेशा रहता है। जैसे कि हम मशीन बंद करने के बाद इसमें गीला कपड़ा डालते हैं तो उनकी वजह से इसमें काफ़ी जंग लग जाता है, तो इसको खोलना काफ़ी मुश्किल होता है। सो इसको खोलने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक स्प्रे लेनी है जो कि जंग हटाती है, तो ये स्प्रे आप हल्के हल्के से इसमें लगा दीजिए। इस तरीके से आप स्प्रे लगा दीजिए। स्प्रे लगाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट छोड़ देना है क्योंकि मैंने इसमें पहले से और स्प्रे कर लिया था। और स्प्रे लगाने के बाद से आपको इधर एक लॉक बटन लगानी है, मतलब एक लॉक होनी चाहिए, कोई भी बोल्ट ले लो या फिर कोई भी चीज़ ले लो, इसको आपको लॉक करनी है और इसको आपको रिंग पना या फिर डी पने से खोलनी है। अभी हम डी पना का यूज़ करेंगे, ज़्यादातर हो सकता है तो आप इसमें रिंग पना का ही यूज़ करें क्योंकि ये स्लिप होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसे हम अभी लगा देते हैं। और लगाने के बाद आपको हल्का सा इसको धक्का देना है, प्रेस करना है। इधर हमारी एक लॉक लग गई है तो ये आसानी से खुल जाएगी। तो जैसा कि देख रहे हैं आप ये बोल्ट घूमना चालू हो गई है, तो ये हमने बोल्ट खोल लिया है। और जब भी आप ये बोल्ट खोलें तो कोशिश करें कि इसमें नया बोल्ट ही डालें क्योंकि ये पानी पड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से बाहर हो जाएगी और ये हमारा चूड़ी जो है इसमें वाइशर। और इस तरीके से आपका जो कटर जो है वो बाहर आ जाएगा, फरारी जो होता है। कितनी आसानी से ये खुला, तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कीजिए और ये आसानी से खुल जाएगा। तो आज हम एक मशीन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम है इस बाउल का, जो कि इसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं। मतलब हमारा जो प्रेशर होता है वो कभी कभी ड्रॉप आउट होता है, मतलब प्रेशर कभी रुक के आता है कभी ज़्यादा आता है, तो उसका ये प्रॉब्लम है। और कुछ मशीन में कुछ साउंड कर रही है उसका एक और प्रॉब्लम है, वो हमने पहले से खोल लिया है। और इसका कटर जो कि अभी मैंने इसको खोला है, तो फिलहाल कटर तो हमने खोल लिया। अब हमें खोलना है सबसे पहले पिस्टन, क्योंकि ये जो हमारा कटोरा होता है वो हमारी इस लाइनर मतलब पिस्टन में फंसा होता है जो कि नीचे तरफ होता है। तो सबसे पहले हमें इस पिस्टन को खोलना है। और इसके बाद जो है हमें ये पिस्टन जो है निकालनी है। पिस्टन निकालने के लिए आपको ये लॉक जो है लगानी है और जो भी आपका इसमें जो पना फिट होता है वो आपको डाल लेना है। उसके बाद हमको इसको हल्के से प्रेस करना है, मतलब हल्का हैमरिंग करना है, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये हमारा जो पिस्टन का सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारा ये बाहर आ चुका है। अब ये हमारा कफ होल्डर खोलना है एलंकी बोल्ट की मदद से। ये भी हमारा कफ होल्डर बाहर आ गया, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब उसके बाद जो है हमको ये लाइनर खोलनी है, तो लाइनर खोलने के लिए एक मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि क्योंकि ये पानी और ये चारकोल प्रीमिक्स के कारण काफ़ी जाम हुआ रहता है तो ये इसको खोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करनी है, ये पिस्टन रॉड लेनी है पुरानी वाली जो कि यूज़ हो चुका है, और इसको आपको पीछे से प्रेस करनी है, मतलब पीछे से आपको हल्का हल्का हैमरिंग करना है, धक्का देना है। तो इस तरीके से जो है हमारा लाइनर जो है बाहर आ जाता है। ये हमारा पिस्टन सेट कर लाइनर है और इसे चेक करने का एक तरीका बताता हूँ कि ये हमारा ख़राब कैसे होता है। तो दरअसल ये अभी लगी हुई थी मशीन में और इसे मैंने अभी निकाला है, और इसे चेक करने के लिए आपको एक चीज़ देखनी है जो कि ये हमारा अंदर का पोर्शन होता है जिसमें ये आपको दिख रहा होगा काला काला जो है ये प्रीमिक्स का
वेस्टेज है, मतलब इसमें प्रीमिक्स जो है चिपका हुआ है। तो इसमें एक चीज आपको दिखेगी जो कि मैं आपको दिखाता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है प्रीमिक्स की क्वांटिटी जो है एक लेयर बन चुकी है, मतलब 2-3 mm लेयर बन चुकी है। तो इससे होता क्या है कि जब ये खराब होने की स्थिति में आ जाती है तो इसमें से प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, मतलब हमारा प्रेशर बोल्ट पूरा खुल जाता है और जो है इसमें प्रीमिक्स की कंटेंट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर अच्छे से नहीं बनता और इसे हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये है तरीका लाइनर को चेक करने का कि ये कितना सही है और कितना खराब। तो अभी जो है ये हमारा लाइनर खराब हो चुका है क्योंकि इसमें प्रीमिक्स पूरी पूरी की पूरी जम चुकी है, आपको दिख रहा होगा शायद। तो इस तरीके से आप लाइनर को चेक कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि इसमें पूरा मटेरियल जो है जम चुका है प्रीमिक्स, तो ये लाइनर जो है खराब हो चुकी है। अब होता क्या है कि जब हम बाउल को निकालते हैं, मतलब जो कटोरा होता है उसको हमें निकालना होता है, तो निकालने के लिए हमें पिस्टन वगैरह सारा चीज निकालना पड़ता है जो कि हमने निकाल लिया है। अब होता क्या है कि जो ये लाइनर का जो प्रीमिक्स वाला पोर्शन होता है, जहां से प्रीमिक्स इन होता है और इन होके पिस्टन के जरिए से बाहर की तरफ फेंकता है, तो इस पोर्शन में क्या होता है कि ये हमारा बाउल का जो नीचे का सिस्टम होता है वो चिपका होता है। तो सबसे पहले हमें पिस्टन का लाइनर खोलना जरूरी है कटोरा खोलने के लिए, तो ये हमने खोल लिया है। अब इसके बाद हमें इसे खोलना है, तो इसके लिए दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको आसानी से ये खुल जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी समय में खुलता है, क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब नहीं होता। और इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसको खोलने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम जो भी इसमें प्रीमिक्स का जो पुराना पड़ा हुआ है उसको निकाल लेते हैं, और ये काफ़ी सूख गया है, और ये जो स्क्रू होते हैं ये काफ़ी जाम होते हैं क्योंकि इसमें पानी डलते रहता है, और प्रीमिक्स का जो पाउडर होता है, मतलब जो प्रीमिक्स होता है वो सूखने के बाद इसमें से जम जाता है, तो खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको ये स्प्रे रखनी है जो कि क्लीन करके ये खोलने के लिए आसान हो जाती है। तो हल्का हल्का आपको स्प्रेइंग कर लेनी है इसमें, तीनों बोल्ट में। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये नॉर्मल जो स्क्रू ड्राइवर होती है इनसे नहीं खुलेगा, इसमें आप बिल्कुल ना खोलिए। इसके लिए आपको एक यूज़ करनी है, ये बीट वाली स्क्रू ड्राइवर होती है उसको यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें आसानी से खुल जाता है और ये काफ़ी जाम होती है तो खोलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसका यूज़ करेंगे हम, इसमें से आपको नहीं खोलना है। देखो कितनी आसानी से हमारा स्क्रू जो है निकल के आ गया, और इसे खोलने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप कुछ चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दे के खोलेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। उसके बाद जो है हमारा जो बाउल होता है उसको खोलना है, ये भी थोड़ा जाम होता है तो भी इसमें स्प्रेइंग कर देते हैं हल्का हल्का। स्प्रेइंग करने के बाद थोड़ा 1-2 मिनट आप छोड़ दीजिए, फिर इसको हल्का हल्का जो है आइट साइड से आपको हैमरिंग करनी है ताकि ये इनका पोजीशन जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो अब देखिए कि ये हमारा जो है हिल चुका है, और ये तो आप देख सकते हैं इसमें जो है कितना जो प्रीमिक्स का जो पानी है या फिर और कुछ चीज़ें हैं वो सारा चीज़ मिल के इसको जाम कर देती हैं, जिनकी वजह से इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि इसमें प्रेशर ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम था, तो इसमें आप देखिए ये जो आपको मैग्नेट दिख रही है, तो ये मैग्नेट जो है एक्चुअल में घिस चुकी है, क्योंकि ये कंटिन्यू रनिंग होते रहती है और कटर के जरिए से यहाँ से हमारा जो प्रीमिक्स का कंटेंट जो है निकलता है, तो उनकी वजह से क्या होता है कि ये इनका सामने का पोजीशन जो है मैग्नेट मैग्नेट जो इसको बोला जाता है, एक पत्थर के जैसे होता है, वो पूरी तरीके से घिस चुकी है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर बाउल में आपका कभी कभी प्रेशर ड्रॉप आउट होने का प्रॉब्लम होता है तो उसमें क्या परेशानी हो सकती है, तो आपको देखना होगा कि ये जो हमारा बाउल होता है इसके आइट साइड पे, मतलब किनारे पे थोड़ा सा गेप बन जाते हैं, मतलब आपको प्रीमिक्स चिपका हुआ दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो आपका बाउल खराब है, और दूसरा चीज़ आपको दिख रहा होगा कि इसका जो मैग्नेट है वो भी खराब है, तो इनकी वजह से क्या होता है प्रेशर कभी अच्छा बनता है कभी कम बनता है, कभी ज़्यादा बनता है कभी कम बनता है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से स्टिक फंसना स्टिक रुकना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इस तरीके से आपको बाउल खोलना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आपको
समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।